कानपुर देहात के जिले के नए एसपी 2011 बैच के आईपीएस स्वप्निल ममगई आज अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। बतौर एसपी तैनाती ये उनका सातवां जिला होगा। आपको बता दें कि लखनऊ कमिश्नरेट में भी वो डीसीपी हेडक्वार्टर में तैनात रह चुके हैं। स्वप्निल ममगई बेहद ईमानदार छवि के अधिकारी हैं। साल 2017 के चुनाव में आचार संहिता के दौरान आयोग ने उनकी तैनाती जालौन में की थी। ऐसे में स्वप्निल ममगई ने फरियादियों को थाने स्तर पर ही न्याय दिलवाना अपनी प्राथमिकता बताया था। आपको बता दें कि करीब 15 महीने का कार्यकाल पूरा करने वाले एसपी केशव कुमार चौधरी का तबादला बहराइच कर दिया गया है। उनकी जगह लखनऊ से एसपी ईओडब्ल्यू स्वप्निल ममगई को तैनात किया गया है। वो साल 2011 बैच के आईपीएस अफसर हैं और वो सीडीआई लखनऊ में भी तैनात रहे हैं। 2016 में बतौर एसपी उनकी पहली पोस्टिंग बलरामपुर में हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने एसपी एटा के रूप में जिम्मेदारी निभाई थी। वो मथुरा रायबरेली में भी एसपी रह चुके हैं। ऐसे में गुरुवार की रात में ही वो कानपुर देहात पहुंच गए हैं और आज कार्यभार ग्रहण करेंगे। यूपी सरकार में पहली प्रत्यार्पण की पहली कार्रवाई भी आईपीएस स्वप्निल ममगई के समय में ही की गई थी और अपने 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे उसमें ईओडब्ल्यू की बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो या फिर यूपी में प्रत्यार्पण का पहला मामला हो, वहीं मेरठ और मुजफ्फरनगर दंगों को भी कंट्रोल करने में स्वप्निल की अहम भूमिका रही है और इसके बाद इतिहास गवा रहा है कि एटा में कोई भी चुनाव बिना बवाल के नहीं हुआ। लेकिन 2017 में इनकी तैनाती एटा में की गई तो के समय में कोई बवाल नहीं हुआ और अपनी अहम जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने चुनाव कराए।